स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पार्टी पर उठाए सवाल, कहा कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है सम्मान। रायपुर में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेसी, जयस्तंभ चौक पर नारेबाजी कर फूंका अडानी का पुतला। सरगुजा के मैनपाट पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मैनपाट महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। कलेक्टर एसपी कुंदन कुमार ने भी लिया मैनपाट महोत्सव का तैयारियों का जायजा, अधिकारियों को दिया जरूरी निर्देश। फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी ने पुलिस पर कार चढ़ाकर कुचलने का किया था प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बयान से फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सूरजपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक तौर पर यह माना गया कि आज के समय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अधिकारी महत्व नहीं दे रहे हैं, जो महत्व भाजपा के कार्यकाल में उनके कार्यकर्ताओं को मिलता था वो महत्व अधिकारी कांग्रेस से कार्यकर्ता को नहीं दे रहे। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस का संगठन चाहे जितने भी दावे करे, प्रदेश के कांग्रेस संगठन में सब ठीक है, लेकिन टीएस सिंहदेव के बयान ने फिर से एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन को जनप्रतिनिधियों के प्रति और विशेष करके सत्ताधारी दल के प्रतिनिधियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहता कि जो कहे वो करो, गलत है तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसी का भी गलत काम करना चाहिए, लेकिन लगना चाहिए कि हाँ सरकार हमारी, लोगों को लगना चाहिए, जनप्रतिनिधि को लगना चाहिए कि सरकार, वो किसी भी दल के हो सकते हैं जनप्रतिनिधि, कि हाँ हमको जनप्रतिनिधि के रूप में मान सम्मान मिल रहा है। फिर कार्यकर्ता जिस सत्ताधारी दल का होता है, स्वाभाविक है कि उनके मन में ये बात रहती है कि उनकी बात को भी तरजीह दी जाए, बजट दिया जाए, सुनने में कहा जहाँ तक सवाल करना, ये प्रशासन का कार्य क्षेत्र है, सही काम है तो। सरगुजा जिले के मैनपाट पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कई कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल मैनपाट महोत्सव की तैयारी इन दिनों जोरों शोरों से चल रही है, जिसका निरीक्षण करने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे, साथ ही अधिकारियों को महोत्सव की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि दरिमा एयरपोर्ट के कार्यों का निरीक्षण किया गया, साथ ही अधिकारियों को साथ लेकर आए, कोशिश है कि अगले महीने तक चालू कर दी जाएगी। वहीं मैनपाट महोत्सव की तैयारी को लेकर बताया इस बार काफी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। खबर मैनपाट से है, जहां कलेक्ट्रेट एसपी ने महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही विभागीय समन्वय से सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। दरअसल सरगुजा जिले के मैनपाट में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने महोत्सव स्थल का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने तेजी से चल रहे तैयारी पर संतुष्टि जाहिर करते हुए बची विभागीय समन्वय से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट ने मुख्य मंच निर्माण, डोम, पार्किंग, प्रवेश सुरक्षा, बैठक व्यवस्था आदि की जानकारी लेकर बेहतर व्यवस्था हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए। तैयारियां अच्छी चल रही है, सारे डिपार्टमेंट्स जो उनके दायित्व जो दिए गए हैं वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही है, सभी डिपार्टमेंट्स जो है आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदया के साथ जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग है उसको देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्तावित आगमन है 14 तारीख को, उसको लेके कैसे मूवमेंट होगा, कहाँ कहाँ कौन से स्टॉल्स लगेंगे उसको देखा गया। ओवरऑल सिक्योरिटी की पूरी जानकारी ली गई और जो कलाकार आएंगे, जो छत्तीसगढ़ी कलाकार आएंगे, लोकल कलाकार आएंगे या जो बाहर के कलाकार आएंगे, उनके लिए कौन सी कैसी सुविधाएँ उनको दी जाएँ जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो परफॉर्म करने में। और जो सबसे ज़रूरी बात है कि जो लोग हैं, जो यहाँ के जो दर्शक हैं, जो देखने वाले लोग हैं, उनके लिए व्यवस्थाओं के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, उनकी गाड़ी के पार्किंग की व्यवस्था,
उनको कोई असुविधा न हो, इन सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और डिपार्टमेंट्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी जो भी बचे हुए काम है उसको हम लोग अभी 10-11 तारीख तक कराएंगे। वैसे तो प्रशासनिक स्तर पर विशेष पिछड़ी कमार जनजातीय के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं उनके उत्थान के लिए संचालित होती हैं, पर शिक्षा के अभाव कहें या जानकारी नहीं हो पाने से आज भी शासन के कई योजनाओं से वंचित नजर आते हैं। आज भी ये लोग बांस का बर्तन बनाने का पुश्तैनी काम को करते हैं। बता दें कि गरियाबंद जिले के छुरा विकास खंड के अंतिम छोर में पहाड़ी के नीचे बसे ग्राम ढूंढूनी पानी में विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लोग रहते हैं, जहाँ के 13 साल के श्याम कुमार जो कक्षा 6वीं के छात्र हैं, जो पहाड़ी में गिर जाने से पैर में घाव हो जाने से वो पिछले 1 माह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनके पिता उन्हें रायपुर तक इलाज के लिए ले गए लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाने के चलते वापस ले आए। पिता ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी मांग है कि प्रशासन मेरे बच्चे के इलाज के लिए मदद करे। इलाज 15 दिन से इलाज चले, बाद में स्मार्ट कार्ड बन नहीं पाए ते बोले है कि मतलब यहाँ 30,000 पैसे हो देव तब एक इलाज हो पाए, ऐसे कह के सरमन बोली ओकर मतलब बना के प्रयास कर देखी, बाकी अंगूठा नहीं बताई। अब भाई मैं गरीब आदमी हूँ सर, अब मैं शासन जो सरकार जो भी कर सके अब मदद करे अपन दे तब मैं कुछ लड़के बढ़िया हो जाए। जगदलपुर में पुलिस को सफलता मिली है, जहां पुलिस के ऊपर कार से कुचलकर मारने का प्रयास करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बता दें कि आरोपी घटना के बाद लगभग 2 साल से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी बोधघाट निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के खिलाफ थाना बोधघाट में 307, 186, 332 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जुलाई 2020 का है, हमारी टीम को एक सूचना मिली थी कि उड़ीसा की तरफ से एक गाड़ी आ रही है, मैरून कलर की स्विफ्ट गाड़ी, जिसमें व्यक्ति जो है अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहा है। तो जांच चल रही थी, जैसे ही वो व्यक्ति जहां पे नाकाबंदी हो रखी थी वहां पहुंचा तो यू टर्न लेके भागने का कोशिश किया और एक्चुअली अगर वहां पे जो हमारे निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक रामविलास नेगी थे, अगर उस समय अगर मौके से हटते नहीं कूदते नहीं तो शायद उस पर वो गाड़ी बिल्कुल चढ़ा दिया होता और उस घटना में उनकी मृत्यु या गंभीर चोट लग सकती थी। शिवरी नारायण के त्रिवेणी संगम तट पर चित्रपला गंगा महाभव्य आरती आयोजन हुआ। वहीं इस आरती में शिवरी नारायण मठ पीठाधीश्वर राजश्री महंत राम सुंदर दास महाराज उपस्थित हुए। आरती का शुभारंभ शाम 7 बजे से हुआ। सुमधूर गीत संगीत एवं विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था से कार्यक्रम काफी मनमोहक था। राजश्री महंत महाराज ने अपने संदेश में कहा कि शिवरी नारायण में इस नगर की गरिमा के अनुरूप वर्ष में एक बार माघी पूर्णिमा की संध्याकालीन बेला में विगत वर्ष से यह कार्यक्रम चांपा सेवा संस्थान के सहयोग से आयोजित हो रहा है। इस वर्ष भी ये गरिमापूर्ण आयोजन सानंद संपन्न हुआ, आने वाले वर्षों में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। सभी नगरवासियों ने इसे काफी सराहा है, इसके लिए सभी को बधाई। मांग पूर्णिमा है, ऐसी मान्यता है कि मांग पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी अपने मूल स्थान शिव नारायण विराजते हैं, इसलिए मांग पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि पर्यंत पूरा 15 दिन का यहाँ मेला लगता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक लगने वाला यह मेला है। आज से 23 वर्ष पूर्व शिवनारायण नगर और आसपास के सभी लोगों ने कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए महानदी गंगा में ये जो ऐतिहासिक बाबा घाट है वहाँ आरती करने का संकल्प लिए थे और धीरे धीरे करते करते आज यह 23वां वर्ष हो गया। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।